हेलो गाइस, आज की वीडियो में लॉगिन सिस्टम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो कब आएगा, इसका रिलीज डेट क्या होगा, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और नोटिफिकेशन बिल को ऑल करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना ताकि हम फेक अकाउंट्स को रैंक डाउन कर पाए और अपना टॉप पे रैंक करें। अब क्या चल रहा है, डायमंडलेस वाइटी के नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, सो कोई स्कैम वगैरह भी हो सकता है। दैट्स वाई कह रहा हूँ फॉलो करो ताकि अपना टॉप रैंक पे आ जाए। सो लेट्स मूव टू वीडियोस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो एक्चुअली लॉगिन सिस्टम का क्या सीन चल रहा है, जनरली डेवलपर्स के थ्रू कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही कि लॉगिन सिस्टम आएगा गेम में। सो अभी लॉगिन सिस्टम की हम जैसे बंदों की डिमांड है ताकि अपनी प्रोग्रेस सेव रहे, लॉस्ट नहीं हो। वरना क्या होता है, जनरली नॉन रूटेड डिवाइस में प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाती है और रूटेड डिवाइस वालों को टेंशन ही नहीं रहता है, वो अपना इजीली सेव करके रख सकते हैं। सो प्रॉब्लम आती है नॉन रूटेड डिवाइस यूज़र्स को। सो इसीलिए लॉगिन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं बंदे। सब बंदे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉसिबल हो सकता है लॉगिन सिस्टम आना? सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये बात काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है मेरी। लॉगिन सिस्टम 99% नहीं आ सकता है। अभी मैं क्रिस्प प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। अब एक्चुअली जो नए डेवलपर्स है एजेरियन कैजुअल, सो दिस कंपनी स्टैंड फॉर ऑफलाइन गेम्स। सब इन जैसे डेवलपर्स को लॉगिन सिस्टम लाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सो मे बी चांसेस है कि लॉगिन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। सो दैट्स वाई लॉगिन सिस्टम आने के चांसेस एक्सट्रीमली लो है। सो बंदों को ऐसा लगता है, अब हमने बोल दिया लॉगिन सिस्टम की डिमांड कर दी डेवलपर को, तो ईजिली हमें मिल जाएगा लॉगिन सिस्टम गेम के अंदर। सो विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्चुअली लॉगिन सिस्टम की लगता है एक बड़ा डेटाबेस जिसमें सबका डेटा स्टोर वगैरह करना पड़ता है। विदाउट डेटाबेस लॉगिन सिस्टम नहीं आ सकता। सो द कंपनीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, क्राफ्टन, एक्टिविजन, इनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस रहता है जिसके थ्रू यूजर्स का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगिन सिस्टम। सो अभी इतना बड़ा डेटाबेस बिल्ड करने के लिए इनको अप्रोक्सीमेटली लगेंगे 1-1.5 साल। तो कर भी सकते हैं, मेरा ये भी कहना नहीं है कि नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो स्पेशल थिंग, डेटाबेस बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना जो कुछ भी प्रोजेक्ट है वो पब्लिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना प्रोजेक्ट प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे, मतलब डायनासोर प्रोजेक्ट मतलब, सो उसके लिए लगेगा इनको गूगल का लाइसेंस, तो वो भी मिल जाएगा इनको, लेकिन लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी एक पॉसिबल लॉगिन सिस्टम है जो अभी क्विकली आ सकता है 1-2 महीने में, वो है गूगल प्ले लॉगिन सिस्टम। मतलब गूगल प्ले गेम्स के थ्रू आप अपनी प्रोग्रेस सेव कर सकते हो। तो ये क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जो गूगल प्ले गेम्स का एपीआई रहता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो उसके थ्रू लॉगिन सिस्टम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट डेटाबेस। तो कुछ भी इनको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा लॉगिन सिस्टम बिल्ड करने में एज़ क्विक एज़ पॉसिबल। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा एक लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती होगी। अब ये वीडियो काफ़ी छोटा था इसलिए मैं इतना कुछ डिटेल में नहीं बता पाया, जस्ट ओनली ओवरव्यू बताया कि कैसा वर्क करता है।